आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं NCERT गणित क्लास 10 प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक 2। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। कहने का मतलब समझिए कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला भी वृत्त खींचना है, लेकिन कहता है सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब होता है जिसका केंद्र केवल एक हो। कहने का मतलब 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का भी, यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का भी वही केंद्र होगा और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का भी वही केंद्र होगा, ठीक है। यानी एक ही केंद्र से दोनों खींचना है। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींच लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माप लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर मैंने माप लिया। अब हम करते हैं क्या, यहाँ से खींच लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ से हम खींच लेते हैं, ओके। ये है ना, खिसक जाता है तो फिर गलती हो जाता है ना। एक मिनट, चलो भैया ये हमने खींच लिया, ठीक है। अब खींचने के बाद फिर कहता है क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या भी खींचना है, मतलब केंद्र एक ही होना चाहिए, यानी इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर वाला भी खींचना है आपको। तो चलिए हम माप लेते हैं 6 सेंटीमीटर यहाँ से, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लो भैया, यहाँ 6 पे हम रखते हैं और जाने देते हैं यहाँ पर। ये लो 6 मैंने माप लिया। अब यहाँ से इसी केंद्र से हम खींच लेते हैं 6, ठीक है। और ये लो भैया, हमने खींच लिया। लो हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। और यही केंद्र रहेगा केवल, ओके। अब कहता क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन में देखिएगा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु पर, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी बिंदु पर, कोई एक बिंदु यानी परिधि पर, मान लो कि कोई एक बिंदु हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, यानी इस बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना है आपको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए हम मिला देते हैं, है कि नहीं। तो लो भैया, हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मिला देते हैं। कहीं भी आप एक बिंदु ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, मिला दिए। अब इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ओ केंद्र और इसका नाम रख देते हैं पी। अब कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब ओ पी को हम क्या करेंगे, समान दूरी में बांट लेंगे, यानी बराबर बराबर दूरी में। तो बराबर बराबर दूरी में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं चाप, फिर इधर लगाएंगे चाप, फिर इधर लगाएंगे चाप, और यही चाप आपको यहाँ से भी लगाना है। तो यहाँ से लगाएंगे और फिर यहाँ से लगाएं। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक रेखा की मदद से इस तरीके से खींच लेना है, ठीक है। और ये भी मैं माप लेता हूँ, ठीक है, एक ऐसे, चलो खींच लेते हैं। ये मैंने खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब खींच लेने के बाद देखो, ओ पी को कहाँ पे काटा, इस बिंदु पे काटा। अब ये क्या किया, इन दोनों ओ पी को देखो, ये जो है ना ओ पी को ये बराबर बराबर दूरी में बांट दिया। ये बिंदु, इस बिंदु का नाम रख देते हैं, चलो एस नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं, एस। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक सर्कल आकार खींचेंगे, ठीक है। तो मैंने माप लिया, अब खींच लेते हैं। ये लो भैया, चलो खींच लिया मैंने। ये लो मैंने खींच लिया इस तरीके से। अब इतना हो जाने के बाद अब देखोगे कि यहाँ पे ये बिंदु काटा है कि नहीं, ये बिंदु और एक ये बिंदु, इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो चलिए मिला लेते हैं, है कि नहीं, यहाँ से, है ना, चलो खींचते हैं। ये देखो मैंने मिला लिया। अब क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से मिला देंगे। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से रख करके मिलाइएगा, ठीक है।
ये देखो मैंने मिला दिया, और ये स्पर्श रेखा खींचा गया इस वृत्त पर इस बिंदु से। इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रख दे, इसका नाम रखते हैं ए और इसका नाम रखते हैं बी। और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण होगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि वृत्त पर स्पर्श रेखा जो भी खींचता है, जहाँ पे बिंदु मिलता है वहाँ पे क्या होता है, समकोण होता है ना। तो ये हो गया क्लियर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, रचना के चरण लिखेंगे। तो रचना के चरण में क्या लिखते हैं, जो जो आपने किया है वही आपको लिखना है, रचना के चरण। तो लिखते हैं रचना के चरण। तो फर्स्ट नंबर में आपने सबसे पहले क्या किया कि ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर, केंद्र मान कर, ओ को केंद्र मानकर के भैया आपने 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या किया, त्रिज्या वाला सकेंद्रीय वृत्त की खींचा। सकेंद्रीय वृत्त मतलब जिसका सभी वृत्त का केंद्र एक ही हो, जितने भी वृत्त हो सभी का केंद्र एक ही हो, तो वाला सकेंद्रीय वृत्त खींचा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सकेंद्रीय वृत्त खींचा। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि पर कोई एक बिंदु मैंने डाल दिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि पर बिंदु पी डाला, क्या लिखेंगे, बिंदु पी डाला। दूसरा हो गया, बिंदु पी डालने के बाद आपने क्या किया कि ओ पी को बराबर दूरी में बांटा, है ना, या फिर ओ से पी को मिला दिया आपने जब ये बिंदु अंकित किया तब। तो हम यहाँ पे लिखते हैं तीसरा में ओ से पी को मिलाया एवं ओ पी को बराबर दूरी में बांटा, क्या लिखा मैंने, बांटा। क्लियर। चौथा में आपने क्या किया, चौथा में आपने बांटने के बाद यहाँ से क्या किया, एस को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। तो एस को केंद्र मानकर वृत्त खींचा ठीक है। और खींचने के बाद क्या किया, जहाँ जहाँ काटा वहाँ से पी को मिला दिया, यानी ए से पी को एवं बी से पी को मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए से पी को, है ना। पांचवा नंबर में लिखते हैं ए से पी को एवं बी से पी को मिलाया। ओके मिला दिया, बस इतना आपको लिख देना, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, इस ओ से ए को भी आप मिला दो, ठीक है, इस तरीके से। चलो यहाँ से हम ओ से इस तरीके से हम मिला देते हैं, बस आकार दे देना आपको। फिर बी, ओ से बी को मिला देते हैं, ठीक है, ये देखो इस तरीके से, अब नहीं प्रॉब्लम। चलो अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।